साथियों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और यदि आप चाहते हैं कि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज मिल जाए तो बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आपका अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं व्हाट्सएप और अपने यूट्यूब वीडियो में कमेंट देख रहा था, उसमें जो है बहुत साथियों ने नवमांश कुंडली के बारे में मुझसे कई प्रश्न किए थे, तो मैंने सोचा कि आपको बिल्कुल सरल भाषा में नवमांश कुंडली से संबंधित सरल ज्ञान दिया जाए। एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण, यदि आप मेरे YouTube चैनल पर यदि पहली बार ही आए हैं और यदि आपको ज्योतिष का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है तो आप पहले भाग से ही एपिसोड देखें, बिल्कुल बेसिक से ज्ञान दिया गया है, ऊपर उसका लिंक आ रहा है, उस लिंक पर जो है क्लिक करके आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। प्रिय दर्शकों, अब देखिए नवमांश कुंडली क्या है, इसे कैसे देखें और इसमें जो है हम क्या क्या देखें, यह क्यों देखी जाती है, यह कुछ जो प्रश्न है ये आपके मन में जरूर होंगे। देखिए, नवमांश कुंडली भी अपने आप में एक विस्तृत विषय है, एक बड़ा विषय है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ सरल ज्ञान देने का प्रयास करूंगा, आप अंत तक बने रहें। देखिए, षोडश वर्ग में 16 प्रकार की कुंडलियां होती है, उसमें नवमांश कुंडली यानी D9 चार्ट को जो है सबसे ऊपर माना गया है। नवमांश यानी कि नौवा अंश, प्रत्येक राशि या भाव जो है वह 30 डिग्री का होता है। जब इसको हम 9 बराबर बराबर भागों में बांटते हैं तो प्रत्येक भाग जो है वह 3 अंश 20 कला का होता है, यानी नवमांश जो है एक राशि के नवम भाग को कहते हैं। जब हम कुंडली फलित करते हैं तो नवमांश कुंडली को देख लेना अत्यंत ही आवश्यक है। नवमांश कुंडली का विश्लेषण किए बिना आप कभी भी कुंडली को सटीक फलित नहीं कर सकते हैं, उसमें त्रुटि रह सकती है। मेरे प्रिय दर्शकों, नवमांश कुंडली से ग्रहों का बलाबल पता चलता है कि ग्रह कितना बली है और वह हमें कितना और कैसा फल दे सकता है, यह हम जो है नवमांश कुंडली में उस ग्रह की स्थिति से पता कर सकते हैं कि ग्रह कितना बली है या कमजोर हो गया है। इसे आप यूं समझें कि यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली व्यक्ति का शरीर है तो नवमांश कुंडली उसके शरीर का अंदरूनी विश्लेषण है। जैसे कई बार कोई व्यक्ति बाहर से देखने में तो बहुत स्वस्थ लगता है, लेकिन जब उसके डॉक्टर से अंदरूनी जांच कराई जाए तो पता चलता है कि इसको जो है पता नहीं क्या क्या बीमारियां हैं। तो जन्म कुंडली यानी कि लग्न कुंडली व्यक्ति का बाहर से दिखाई देने वाला एक ढांचा है और नवमांश कुंडली उसका अंदरूनी विश्लेषण है। इसको आप यूं भी समझ सकते हैं कि लग्न कुंडली तो हमारा शरीर है लेकिन नवमांश कुंडली हमारी आत्मा है। अब आप ही सोचें कि नवमांश कुंडली जो है इसको देख लेना कितना आवश्यक है। देखिए, वैसे नवमांश कुंडली वैवाहिक सुख को देखने के लिए देखी जाती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि केवल और केवल विवाह सुख के लिए ही हम नवमांश कुंडली देखें। आप जब जो है बृहद पराशर होरा शास्त्र सारावली और फलदीपिका जैसे ग्रंथों को हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि नवमांश कुंडली सिर्फ शादी या पति पत्नी के बारे में विश्लेषण करने के लिए नहीं होती है, वरन प्रत्येक ग्रह और भाव के बल या उसकी स्थिति के बारे में जानने के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। हम हर बात के लिए नवमांश कुंडली देख सकते हैं, चाहे वह विवाह हो, चाहे हमारा व्यापार हो, चाहे हमारा भाग्य हो या लाभ हो हानि हो, हर प्रकार की बात, हर बात को हम नवमांश कुंडली से देख सकते हैं। प्रिय साथियों, लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली के मध्य जो संबंध है वह मन, कर्म और वचन वाली बात है। कैसे? हम जो कहते हैं, हम जो वचन देते हैं, वह यदि हम करें तो उसके नतीजे हमें बहुत सकारात्मक मिलते हैं, यानी कि हमने जो कह दिया है वह हमने कर दिया है। यदि कोई ग्रह लग्न कुंडली में बलवान है तो उस ग्रह ने यह कह दिया है कि मैं आपको यह वचन देता हूं कि मैं यह अच्छा कार्य करूंगा, और यदि वह ग्रह यदि नवमांश कुंडली में भी बलवान है तो वह ग्रह वास्तविक रूप में अच्छा फल करेगा जैसा कि उसने यह वचन भी दिया था, तो इस स्थिति में वह ग्रह हमें बहुत सकारात्मक फल देता है।
यानी कि लग्न कुंडली में ग्रह की सकारात्मक स्थिति ने हमसे कहा कि मैं सकारात्मक फल दूंगा, और नवमांश कुंडली से भी उसने यह कन्फर्म कर दिया कि मैं सकारात्मक फल ही दे रहा हूं, तो यहां पर हमें बहुत सकारात्मक फलों की प्राप्ति होगी। तो जैसा कहा है वैसा हो गया है, तो यह हमने लग्न और नवमांश के माध्यम से समझा है। मेरे प्रिय दर्शकों, लग्न कुंडली में बलवान ग्रह यदि नवमांश कुंडली में कमजोर हो जाता है तो उसके द्वारा दिए जाने वाले फल में भी संशय हो जाता है। यानी उस ग्रह ने लग्न कुंडली में अच्छी स्थिति में होकर यह कहा कि मैं अच्छा फल दूंगा, लेकिन नवमांश कुंडली में उस ग्रह की स्थिति कमजोर हो गई तो वह हमें पूर्ण अच्छे फल कैसे दे पाएगा। यानी कि लग्न कुंडली में ग्रह की अच्छी स्थिति ने हमसे वचन दिया कि मैं अच्छा फल दूंगा, लेकिन वह ग्रह जो है नवमांश कुंडली में कमजोर हो गया है तो वह अपना वचन नहीं निभा पा रहा है। और इसी प्रकार लग्न कुंडली में यदि कोई ग्रह कमजोर दिखाई दे रहा है और यदि नवमांश कुंडली में वह ग्रह बली है तो वह ग्रह भी फल देने में सक्षम है। देखिए, सबसे पहले तो आपको लग्नेश को देख लेना है कि उसकी स्थिति जो है नवमांश कुंडली में कैसी है। यदि लग्नेश की स्थिति लग्न कुंडली में अच्छी है और यदि नवमांश कुंडली में भी यदि वह अच्छे भाव में है, नीच के नहीं है, और यदि पापी ग्रहों के प्रभाव में नहीं है, तो वह ग्रह जो है हमारे लिए अति शुभ होता है, अति शुभ फल देने वाला ग्रह हो जाता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम लग्न कुंडली में देखते हैं कि कोई ग्रह लग्न कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है, हमें वह ग्रह जो है बलि दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी हमें उसके फल प्राप्त नहीं हो रहे होते हैं, तो आखिर इसके पीछे क्या कारण है। या इसके उलट कई बार ऐसा होता है कि हमारी लग्न कुंडली में कोई ग्रह बहुत ज़्यादा खराब है या बलहीन है, फिर भी वह हमें अच्छे फल दे रहा है, उसके भी क्या कारण है। तो देखिए, ग्रहों का वास्तविक बलाबल देखने के लिए नवमांश कुंडली को देख लेना आवश्यक है, ताकि हम उस ग्रह के सही बल का पता लगा सकें कि आखिर वह ग्रह हमें किस प्रकार के फल दे रहा है। मान लीजिए कि कभी कोई कुंडली आपके सामने आ गई कि लग्न कुंडली में कोई ग्रह किसी राशि में उच्च का होकर के बैठा है, तो आप नवमांश कुंडली देखे बिना ही सीधे ही कह देंगे कि यह ग्रह तो बहुत बली है, बहुत अच्छे फल आपको मिलेंगे, तो यह आपकी भूल होगी। D9 चार्ट देखना भी अत्यंत आवश्यक है। अब जब आप नवमांश कुंडली देखेंगे और यदि नवमांश कुंडली में वह ग्रह नीच का हो गया है तो उसके बलाबल में कमी आती है। कहने का तात्पर्य यह है कि लग्न कुंडली में कोई ग्रह यदि उच्च का होकर के बैठा है तो हमें यह दिखाई दे रहा है कि यह ग्रह जो है बहुत बली है और यह हमें बहुत सकारात्मक फल देगा। लेकिन यदि वही ग्रह यदि D9 चार्ट में नीच का हो गया है तो इसका अर्थ यह है कि लग्न कुंडली में तो वह ग्रह बली दिखाई दे रहा है, लेकिन नवमांश कुंडली में नीच का होने की वजह से वह उतना बली नहीं है जितना कि लग्न कुंडली में दिखाई दे रहा है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आपको स्क्रीन पर जो लग्न कुंडली दिखाई दे रही है उसमें सूर्य उच्च के हैं, यानी लग्न कुंडली देखकर हम यह समझ पा रहे हैं कि लग्नेश उच्च के जो है नवम भाव में बैठे हैं, बहुत अच्छा, बहुत बली है। लेकिन जब आप नवमांश कुंडली देखेंगे तो वही सूर्य नीच के हो गए हैं और राहु के साथ बैठे हैं, ये अपने तरीके से ग्रहण योग भी हो गया है। तो यहाँ पर हमने यह परिणाम पाया कि लग्न कुंडली में सूर्य उच्च के थे और बहुत सकारात्मक और बली दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब हमने नवमांश कुंडली में उनकी स्थिति देखी तो वह बिल्कुल ही उलट थी। तो यहाँ पर लग्न कुंडली में सूर्य उच्च के हैं और नवमांश में नीच के हो गए हैं, तो लग्न कुंडली में सूर्य जितने बली दिख रहे हैं उतने ही वह जो है कमजोर नवमांश कुंडली में हो गए हैं। तो यहाँ सूर्य इतने अच्छे और जो है शुभ फल नहीं दे पाएंगे जितना कि वह लग्न कुंडली में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आया समझ में। अब यदि लग्न कुंडली में कोई ग्रह नीच का है और नवमांश कुंडली में यदि उच्च का होकर के बैठ गया है तो इसका अर्थ यह है कि वह ग्रह जो है अभी भी सकारात्मक फल देने में सक्षम है।
उदाहरण के लिए आप स्क्रीन पर कुंडली देख सकते हैं, यहाँ लग्न कुंडली के नवम भाव के स्वामी सूर्य जो है एकादश भाव में नीच के होकर के बैठे हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ यह प्रतीत हो रहा है कि यह भाग्य में कमी करेंगे, नकारात्मक फल देंगे अधिक। लेकिन जब हम नवमांश कुंडली देखते हैं तो वह उच्च के होकर बैठे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार से वह लग्न कुंडली में नीच के होकर हमें नकारात्मक दिखाई दे रहे थे, लेकिन उतने वो नकारात्मक नहीं है। यहाँ निश्चित रूप से सूर्य के नकारात्मक फलों में कमी हो गई है। इसके अलावा एक बात का और आप ख्याल रखें, कोई ग्रह लग्न कुंडली में योग कारक होकर बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन उस ग्रह का नवमांश कुंडली में भी अच्छी स्थिति में होना अनिवार्य है, तभी वह ग्रह जो है पूर्ण शुभ फल दे पाएगा। जैसे लग्न कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में है, और यदि नवमांश कुंडली में भी चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो वह अपने पूर्ण शुभ फल अवश्य ही देगा। अब यदि मान लीजिए कि चंद्रमा लग्न कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है और नवमांश कुंडली में शनि और चंद्रमा की युति हो गई है, तो यहाँ पर चंद्रमा पूर्ण शुभ फल देने में सक्षम नहीं होंगे। आप सभी को ये ज्ञात होगा कि शनि और चंद्रमा जब साथ में होते हैं तो विष योग बनता है, यह योग चंद्रमा को खराब कर देता है। अब यदि लग्न कुंडली में, देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात, यदि लग्न कुंडली में शनि और चंद्रमा साथ बैठे हैं और यदि नवमांश कुंडली में भी ये दोनों ही ग्रह साथ में बैठे हैं, तो यहाँ पर चंद्रमा बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाएंगे, यहाँ चंद्रमा नकारात्मक हो जाएंगे और नेगेटिव जो है हमें फल देंगे। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि लग्न कुंडली में शनि और चंद्रमा की युति एकादश भाव में है और नवमांश कुंडली में भी शनि और चंद्रमा साथ है, और नवमांश कुंडली में राहु की दृष्टि भी चंद्रमा पर है और केतु साथ में बैठे हैं, तो यहाँ पर चंद्रमा बहुत नकारात्मक हो जाएंगे, उपाय अत्यंत ही आवश्यक है। तो यहाँ हमने नवमांश कुंडली को देखकर ग्रह के बल का आकलन किया है। आशा करता हूँ यह एपिसोड आपको बहुत ही सरलता से समझ में आया होगा। नवमांश कुंडली के विषय पर बहुत जल्द जो है अन्य वीडियो भी आपको उपलब्ध रहेंगे, आप जुड़े रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राधे।